उसके बाद बृहस्पति हर चीज के, आज बताइए हेल्थ भी ठीक रहती है आपकी? हाँ सर ठीक है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बृहस्पति जब कुंडली के सिक्स हाउस में जाएगा, यहाँ पे फिफ्थ भी बता दिया, सिक्स में जब जाएगा तो अच्छे भाव का स्वामी कहाँ चला गया? खराब। देखो एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, क्रक्स को समझिए। एक दो कुंडली ही लगाएंगे, तीन कुंडली ही लगाएंगे मैक्स, उसमें क्रक्स को जो समझ जाएगा वो गेम चेंजर हो जाएगा। जो ये सोचेगा कि हर लगन कुंडली में हम आपको बता दें तो हर लगन कुंडली के हिसाब से आप पढ़ोगे चक्कर में, तो आप फिर केवल लगन कुंडली ही होगी 12-14 क्लास में, और कुछ नहीं होगा। केवल और केवल कोर को पकड़ने की कोशिश करिए। मतलब योग कारक ग्रह है, अगर अच्छे घर में बैठ रहा है, तीसरे छठे आठवें बारहवें और अपने नीच के घर को छोड़ के, तो वो अच्छा करेगा। खराब घर में बैठ रहा है, तीन में छह में आठ में बारह में, तो वो खराब करेगा। कहाँ कहाँ खराब करेगा? उस हाउस के लिए खराब करेगा जहां बैठेगा, जहां जहां देखेगा उस सब के लिए खराब करेगा। अच्छा है तो जहां जहां देखेगा जहां बैठेगा उन सबके लिए अच्छा करेगा। अभी इतना ही समझो, इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। जो एडवांस में पढ़ते हैं उनको, जो एडवांस पढ़े हैं या पढ़ेंगे आगे, उनको और थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा, तो उनके उनकी अभी बात यहाँ पे नहीं हो रही। बट आप ये समझो, अच्छे घर का स्वामी अच्छे घर में है तो मतलब अच्छा है, खराब घर का स्वामी खराब में है तो मतलब खराब है, उतना ही समझना है। अब अगर बृहस्पति इस कुंडली में छठे भाव में जाएगा, मतलब योग कारक ग्रह होके, योग कारक की डेफिनेशन क्या बताई? जहां जाए जहां बैठे जहां देखे उस घर की वृद्धि करे, तो वृद्धि कर रहा है। कहां चला गया? खराब घर में चला गया। खराब घर है, छठा भाव भी खराब है, तो लगन का स्वामी या योग कारक ग्रह जो है वो छठे भाव में चला गया, मतलब खराब घर में चला गया। खराब घर में जाने का मतलब क्या होगा? फिर छठे भाव में वृद्धि कर देगा वो। देखो वृद्धि तो करना है, योग कारक ग्रह का मतलब है वृद्धि करना, लेकिन खराब जगह वृद्धि कर रहा है तो खराब ही है ना। अच्छी जगह वृद्धि कर रहा है तो अच्छा है, खराब जगह वृद्धि कर रहा है तो फिर खराब हो गया ना। अब सिक्स हाउस किसका होता है? रोग का होता है, ऋण का होता है, शत्रु का होता है, हाउस ऑफ कंपटीशन का होता है, उसमें वृद्धि कर रहा है प्लेनेट। उसके बाद जहां जाएगा जहां बैठेगा जहां देखेगा उन सबके लिए वृद्धि करेगा। वृद्धि का मतलब क्या होगा? निगेटिव होकर निगेटिव ही तो करेगा। सोचो एक, अभी आलोक जी एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, और आलोक जी के दिमाग में कुछ और सवार हो जाए थोड़ी देर के लिए, कोई ड्रिंक कर लें या कोई चरस वरस ले लें फिर क्या होगा? आलोक जी तो वैसे जेनुअन व्यक्ति हैं, बट अभी संग गलत हो गया, तो अभी ये सेंस में ना होके अच्छे को भी खराब करेंगे, अच्छे को भी खराब करेंगे। क्योंकि व्यक्ति, हम लोग कहते हैं ना, एक साधु टाइप का व्यक्ति आप जिसको अपना आइडियल मानते हो, वो कोई गलत काम कर दे जाके तो सबकी थू थू हो जाती है। मतलब सॉरी, मतलब मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा। सपोज आप, आपके लिए कोई पूजनीय व्यक्ति है, आप उसकी बड़ी प्रशंसा करते हो, और वो आपको शाम को कहीं आप निकल रहे हो और ठेके के पास मिल जाए, आप भी पीते हो तो चलेगा ना, बट आप सोचते हो हमारे गुरु जी है, और वो ठेके के पास जाके बैठा मिल गया आपको, या पीता हुआ मिल गया, पैक लगाता हुआ मिल गया, तो आपकी मेंटेलिटी में एक चीज आ गई, निगेटिव आ गई। आप लहसुन प्याज तक नहीं खाते हो, आप जिसको आइडियल मानते हो, आप सोचते हो ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और उनको आप कभी जाके सीधे नॉनवेज की दुकान पे आप देख लो। तो एक होता है ना, मतलब अच्छा व्यक्ति तो है, व्यक्तित्व तो अच्छा है, बट संग बुरा है, गलत जगह में बैठा है इसलिए गलत हो गया। अच्छी जगह में बैठा है मतलब अच्छा हो गया। एक साधु व्यक्ति मंदिर में बैठा है तो बहुत अच्छी स्थिति हो गई, साधु व्यक्ति जाके कहीं और बैठ गया। मेरी बात समझने की कोशिश करो, केवल केवल एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं, आपको तुरंत समझ में आएगा इसलिए ले रहे हैं, बाकी क्लिष्टता नहीं पैदा कर रहे हैं हम लोग। कहने का मतलब क्या, व्यक्ति चाहे जितना अच्छा हो बट अगर उसकी प्लेसमेंट अच्छी है, बैठा सही जगह है, तो ही उसकी कदर है, नहीं तो उसकी कदर नहीं है। योग कारक ग्रह है बृहस्पति धनु लगन में, लेकिन बैठ गया छठे भाव में जाके, खराब घर में जाके बैठ गया, संग खराब हो गया, इसलिए अब उसकी मेंटेलिटी में अब उसके हर निर्णय खराब होंगे। क्या होगा? छठे भाव में जाएगा, रोग ऋण शत्रु और हाउस ऑफ कंपटीशन का उसको बढ़ाएगा, सब कुछ बढ़ाएगा। उसके बाद यहां से दशम भाव को देखेगा, दशम भाव किसका होता है? करियर का होता है, फेम का होता है, तो वहां के लिए भी प्रॉब्लम पैदा करेगा। यहां से वो बारहवें भाव को देखेगा, वहां के लिए भी खराब करेगा।
विदेश यात्रा है, जेल यात्रा है, इन सब चीजों को बढ़ाएगा। यहां से वो दूसरे भाव को देखेगा तो उसके लिए भी खराब करेगा। दूसरा भाव किसका? धन कुटुंब वाणी का। तो बृहस्पति का धनु लगन की कुंडली में छठे भाव में बैठना छठे भाव के लिए खराब है, दसवें भाव के लिए खराब है, और किसके लिए खराब है? द्वादश भाव के लिए खराब है, बारह के लिए, इसके लिए भी, दूसरे भाव के लिए भी, ठीक है। अब ये बृहस्पति कुंडली के सातवें भाव में बैठ जाए, जिसको भी कुंडली का केंद्र का घर कहते हैं, घर अच्छा है वहां पे, गलत मत लीजिए। तो बृहस्पति यहाँ पे देखो, अब प्रिडिक्शन पे जब योग कारक मारक की छांटनी थी तो वहां पे इसको भी हम अच्छा नहीं ले रहे थे थोड़ी देर की, बट प्रिडिक्शन की जब बात होगी तो आपको पांच घर ही ध्यान रखने हैं। पांच घर खराब है, कौन सा? जिस ग्रह की बात हो रही है उसका अपना नीच का ग्रह घर खराब है। अगर मार्केश है तो उच्च का घर फिर खराब हो जाएगा, एंटी ले लीजिए, ठीक है। और तीसरा भाव सही नहीं है, छठा सही नहीं है, एट सही नहीं है, ट्वेल्थ सही नहीं है। ये योग कारक के विद रिस्पेक्ट टू बात कर रहा हूं। मारक के विद रिस्पेक्ट टू क्या सही है? अगर इन्हीं भावों में बैठेगा तो अच्छा होगा, उसकी अभी हम लोग बात बात नहीं करेंगे। उसके बाद बृहस्पति सातवें भाव में बैठेगा तो सातवें भाव के लिए अच्छा करेगा। यहां से जहां जहां देखेगा, ग्यारह को देखेगा, लगन को देखेगा और तीसरे भाव को देखेगा, सबके लिए अच्छा करेगा। एर्थ में हो जाएगा अगेन उच्च का हो जाएगा। अब एक पंडित जी आपको बोल रहे होंगे कि आपका बृहस्पति कुंडली में उच्च का होकर के बैठा है, लेकिन उच्च का होकर कहां बैठ गया? घर खराब मिल गया, घर खराब मिल गया। अब ये सबसे ज्यादा खराब करेगा आपके साथ में। ये बृहस्पति अब उच्च उच्च का नहीं बचा आपकी कुंडली में, ये भूल जाइए। और कहीं उच्च का होता, अच्छे घर में जाके उच्च का होता तो बहुत बढ़िया था। अभी वो जाके उच्च का हुआ, एयर था उसके, ऐसी से मार मारेगा कि जिंदगी भर आदमी कराएगा, देख लो कुंडली उठा के किसी की। तो एयर था उसमें जाएगा, किस चीज की वृद्धि कर देगा? एक तो खराब घर में गया तो खराबी आ गई, उसके बाद उसको उच्चता भी मिल गई और खराब कर देगा, है ना, तो डबल खराब हो गया। एयर्थ हाउस के लिए खराब करेगा, बारहवें के लिए खराब करेगा, दूसरे को देखेगा यहां से खराब करेगा, चौथे को देख के खराब करेगा। क्या खराब करेगा चौथे में? जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके विद रिस्पेक्ट टू खराबी ले आएगा। अभी इतना ही समझना, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि आपके पास बहुत दिमाग है मैं जानता हूं, बट इतना ही लगाइए, क्रम से चलिए, ठीक है। उसके बाद योग कारक ग्रह है बृहस्पति, नाइन्थ हाउस में बैठ गया। अब केवल बृहस्पति के लिए नहीं बात कर रहा हूं, जितने भी कुंडली के योग कारक ग्रह हैं उन सब की बात हो रही है अभी यहां पे। अब यहां मंगल होता है तो अब मंगल योग कारक बनता है इस कुंडली में, चला कहां गया है? छठे भाव में चला गया है। तो पंचम के का मंगल है, पंचम भाव का स्वामी है मंगल, योग कारक है इस कुंडली में, चला कहां गया? छठे भाव में। क्या बढ़ाएगा? छठे भाव को बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा? कॉम्पिटिशन बढ़ाएगा, रोग बढ़ाएगा, ऋण बढ़ाएगा। कंपटीशन किन चीजों में बढ़ा सकता है? नौकरी में ही कंपटीशन बढ़ा सकता है, जिसकी एक्सपेक्टेशन करे व्यक्ति की ना हो। ऋण बढ़ाएगा, कर्जा वर्जा दिलवा सकता है। रोग बढ़ा सकता है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट बना सकता है। ब्लड प्रेशर आपको? हाँ सर है। ठीक है, आ गया मंगल का कारक ही, मंगल ब्लड प्रेशर का ही कारक। कभी वो दाने वाने निकले हैं, फुंसी या स्किन डिसीज टाइप का कुछ हुआ है? ब्लड ब्लड सामने आपके, ठीक है। कहने का मतलब क्या? योग कारक ग्रह होकर के खराब घर में चला गया तो रोग, ऋण, शत्रु और कंपटीशन को बढ़ाएगा। यहां से वो नवम भाव को देखेगा तो उसके लिए भी प्रॉब्लम करेगा। यहां से वो आठ बारहवें भाव को देखेगा तो इसके लिए अच्छा करेगा, बारहवें भाव के लिए अच्छा करेगा। क्यों? क्योंकि जब भी कोई ग्रह अपने घर को देखता है तो उसके लिए चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो अच्छा ही करता है। जैसे कोई शराब पी ले तो रोड में चाहे जितना लड़ाई झगड़ा सब कुछ कर ले, बट अपने घर में अपने बच्चों को और अपने किसी व्यक्ति को बहुत तकलीफ नहीं देगा व्यक्ति, बल्कि उनके लिए अच्छा ही करेगा, उनके टेक केयर ही करेगा। कितना दारू पियो, अब जाके उसकी वाइफ को गाली दे दो, बच्चे को गाली दे दो, तो वो खड़ा हो जाएगा, और नहीं तो पूरे मोहल्ले में कोई लड़ाई करे, बहस करे जाके, है ना। तो और इसके बाद लगन के लिए खराब करेगा। तो मंगल जिसका एड था उस इस कुंडली के हिसाब से योग कारक होता है, छठे भाव में बैठेगा तो इसके हिसाब से ये इसके लिए तो अच्छा करेगा, लेकिन पांच नवम भाव के लिए और एकादश भाव के लिए खराब करेगा, तो हेल्थ डिसीज देगा कहीं ना कहीं। फर्स्ट हाउस हो गया हेल्थ, सिक्स हाउस हो गए डिसीज। लेकिन अगर इसी मंगल की बात करी जाए, और ये अभी बाद में आते हैं, इसी कुंडली पे आएंगे, तो कहने का मतलब क्या, जितने भी योग कारक ग्रह आपकी कुंडली में बन रहे हैं वो अपने नीच के घर में बैठे हैं, तीसरे घर में बैठे हैं, छठे घर में बैठे हैं। रूल लिख लो भाई, एक एक लगन पे नहीं बता पाएंगे, अभी आपकी कुंडलियां ले लेंगे जितने जिन्होंने डाली हैं, बट सब में नहीं बता पाएंगे। योग कारक ग्रह जो भी आपकी कुंडली में बना है वो तीसरे भाव में, छठे भाव में, आठवें भाव में, बारहवें भाव में अगर होगा और अपने नीच के घर में अगर होगा,
तो खराब हो जाएगा। जो मारक ग्रह का स्वामी बना है वो तीसरे भाव में होगा, सॉरी उसकी अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है, उसके बाद अभी थोड़ी देर में करेंगे। इतना सबको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो अभी दसवें में जाएगा सेम कॉन्सेप्ट, ग्यारहवें में जाएगा सेम कॉन्सेप्ट। जहां पढ़ा रहा है क्या पढ़ा रहा है? दूसरे भाव में पढ़ा रहा है, इसका मतलब दूसरे भाव के एट्रीब्यूट्स को पढ़ा रहा है, और कुछ नहीं पकड़ना। जो चीजें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई हैं उनको सामने रख लो, योग कारक मारक सामने रख लो, सारी चीजें अपने सामने रख लो, दिग्बली कहाँ होता है उसको सामने रख लो, डिग्री वाला ध्यान रखो, सारी चीजों को पकड़ो, लगाते चले जाओ। मंगल की भी बात कर रहे थे, अभी इसी में सूर्य की बात कर लो। सूर्य योग कारक बनता है, कहाँ बैठ गया? जाके लगन में बैठ गया। तो लगन में बैठेगा तो क्या करेगा सूर्य? लगन में बैठेगा तो क्या करेगा? अच्छा करेगा सर। अच्छा करेगा, क्या अच्छा करेगा? हेल्थ के लिए अच्छा करेगा, पर्सनालिटी को बोल्ड बनाएगा, पर्सनालिटी को अच्छा करेगा, एटीट्यूड थोड़ा डेवलप करके रखेगा, स्वाभिमानी व्यक्ति को बनाएगा, क्योंकि सूर्य खुद ही स्वाभिमान है, ऐंठ अकड़ व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं होगी जरा सी, है ना। और यहाँ बैठ के चूंकि भाग्येश होकर के लगन पे बैठा है, इसलिए स्वयं व्यक्ति भाग्यशाली हो गया, ठीक है। और यहाँ पे बैठ के ये मतलब जिसका एक चीज याद रखें, जिसका नाइन्थ लॉर्ड लगन में बैठा, वो व्यक्ति किसी का हाथ पकड़ लेगा ना, किसी का हाथ पकड़ लेगा तो व्यक्ति अपलिफ्ट अपने आप हो जाता है, बस दिल से पकड़ ले व्यक्ति। ऐसा हुआ है आलोक जी? सर आप ही ने हमारा हाथ पकड़ा है सर, आपके मेरा पकड़ लो हम तो अभी। कहने का मतलब क्या है, सूर्य लगन में है तो एक ही दृष्टि होती है, सूर्य की, बुध की, शुक्र की और चंद्रमा की, एक ही एक दृष्टि होती है। तो जहां बैठता वहां से सामने और देखता है, तो सूर्य यहाँ के लिए अच्छा करेगा और यहाँ के लिए भी अच्छा करेगा, तो दोनों जगह के लिए अच्छा करेगा सूर्य। इसमें समझ में आ गया? इतना समझ में आया? अब देखो मंगल को अगर आप देखोगे तो मंगल के पास दो घर है, एक तो पांचवा घर है, एक तो बारहवा घर है, तो इसके हिसाब से तो योग कारक हुआ है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी आज तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में तीन चार चीजें पढ़ेंगे, लिख लीजिए क्या पढ़ेंगे, लिख लीजिए नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे। विपरीत राजयोग पढ़ेंगे, आप लोग बताओगे हम अगर भूल जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में विपरीत राजयोग पढ़ोगे, उसके बाद केंद्राधिपति दोष पढ़ोगे, नीच भंग राजयोग पढ़ोगे, और अगर टाइम रहा तो मांगलिक दोष पढ़ोगे। इन पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाए हुए हैं, सब अलग अलग, उनके सबके लिंक मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा। नेक्स्ट क्लास से पहले उन सभी वीडियोस को एक एक बार देख लेना, क्योंकि मेरी बहुत लेस बात होगी उन पे, उन टॉपिक्स पे, लेकिन जो मैंने वीडियोस डाले हैं वो पूरे हैं, प्रॉपर हैं, वो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं सारे वीडियो। मैं उनका लिंक दे दूंगा, या जो जिन्होंने देखे हो मेरे वो वीडियोस वो खुद ही शेयर कर दे ग्रुप में, तो मेरा प्रयत्न थोड़ा कम हो जाएगा, नहीं तो मैं दे दूंगा आपको। वो नेक्स्ट क्लास से पहले आपको वीडियो देखने हैं सारे लोगों को, जो समझ में नहीं आएगा वो डाउट आपका क्लियर करेंगे। थोड़ा सा उसके आगे की चीज जो उसमें मैंने अपने वीडियोस में नहीं बताई है वो थोड़ी बहुत बता के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास आपकी, देखो ये तीन क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पहली जो हो गई है, अभी जो हो रही है, और आगे जो होगी। ये तीन क्लास जिसको आ गई वो एक भी क्लास मेरे से ना पढ़े, एक भी क्लास मेरे से ना पढ़े तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्योतिष अपने आप आ जाएगी, वो इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। चाहो तो अगर पढ़ना तो चाहिए, अभी और भी बहुत चीजें रिवील होंगी, बट कुंडली देखना मेनली इन्हीं क्लासेस पर निर्भर करेगा कि आप किसी की कुंडली देख करके बहुत कुछ डेवलप कर पाओगे। रेमेडीज लास्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, किसी की कुंडली देख करके क्या उपाय बताने लास्ट क्लास में होगा, अभी केवल प्रेडिक्शन देखेंगे कि प्लेनेट इसके लिए किस भाव के लिए अच्छा कर रहा है, किसके लिए खराब कर रहा है। अब देखो इसी कुंडली में देखते हैं थोड़ी देर के लिए, अब इसी कुंडली में देखते हैं मारक कौन कौन सा प्लेनेट बनता है इसमें, शुक्र बनता है, और मारक कौन बनता है, चंद्रमा बनता है, और मारक कौन बनता है इसमें, शनि बनता है। तीन ग्रह इसमें मारक बनते हैं, तीनों ग्रह के हिसाब से प्रिडिक्शन समझने की कोशिश करनी। शुक्र इस कुंडली में मारक बनता है ना, तो शुक्र मारक का क्या प्रिडिक्शन बताई, अच्छे घर के स्वामी अच्छे घर में रहें, खराब घर के स्वामी खराब घर में रहें, अच्छे घर के स्वामी अच्छे घर में रहें,
खराब घर के स्वामी खराब घर में रहें तो ये अच्छा ही है, मतलब सुअर को हम लोग अच्छा नहीं मानते, ठीक है, तो सुअर नाली के पास रहेगा तो सबसे बढ़िया माना जाएगा, मल के पास रहेगा जहां कूड़े का ढेर है वहां रहेगा तो सबसे अच्छा माना जाएगा, क्यों, क्योंकि सुअर गंदगी खाता है, तो हमारे लिए अच्छा है, क्यों, क्योंकि वो गलत जगह जाके गंदगी को खाएगा, और सुअर अगर आपके कमरे में आ जाएगा, आपके घर में आ जाएगा, तो उसको खराब माना जाएगा, क्यों खराब माना जाएगा, क्योंकि वो गंदगी से आया है, बैक्टीरिया लेके आ रहा है, एक स्वाइन फ्लू रोग डेवलप हुआ था सुअर के कारण ही हुआ था। कहने का मतलब क्या है, अच्छे घर का स्वामी अच्छे घरों में रहे, खराब घर का स्वामी खराब घरों में रहे, तो ये सारी प्लेसमेंट अच्छी मानी जाती, कुछ नहीं करना है। आप सबको पता है किस लगन कुंडली में योग कारक कौन होता है, किस लगन कुंडली में मारक कौन होता है, किस लगन कुंडली में सम कौन सा होता है, सारे प्लैनेट्स को उठाइए देखिए कहाँ बैठे हैं, अच्छे घरों के स्वामी अच्छे घरों में हो, खराब घर के स्वामी खराब घरों में हो, उससे बढ़िया कोई कुंडली हो ही नहीं सकती, उससे बढ़िया कोई कुंडली हो ही नहीं सकती। इसी कुंडली में हम लोग देखते हैं शनि, शनि को आप देखो, शनि इस कुंडली में मारक बनता है, शनि इस कुंडली में मारक बनता है, जहां जाए जहां बैठे जहां देखे उस घर की हानि करे, तो शनि इस कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी है, शनि इस कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी है, इसलिए शनि कुंडली के एर्थ हाउस में बैठा है तो बहुत खराब नहीं करेगा, दूसरे भाव के लिए अच्छा ही करेगा शनि, क्योंकि अपने घर को देख रहा है। एक चीज और ध्यान रखना, रूल्स कुछ लिख लो, मैं लिखवा रहा हूं, कुछ रूल्स लिख लीजिए। नंबर वन लिखिए, सभी को लिखना है, नंबर वन लिखिए, अच्छे घर का स्वामी अच्छे घर में बैठे तो अच्छा है, मतलब फर्स्ट हाउस का स्वामी, सेकंड योग कारक जो प्लेनेट उस लगन कुंडली में बना है, वो तीन को छह को आठ को बारह को और अपने नीच घर को छोड़ के चाहे जहां बैठा होगा वो अच्छा ही करेगा। योग कारक ग्रह तीसरे भाव को छठे भाव को आठवें भाव को बारहवें भाव को और अपने नीच के घर को छोड़ के कुंडली के जिस भी हाउस में बैठेगा उसके लिए अच्छा ही करेगा। खराब घर का स्वामी, खराब घर का स्वामी अपने ही घर में हो, खराब घर का स्वामी अपने ही घर में हो या छह आठ बारह में पड़ा हो तो भी अच्छा करे। खराब घर का स्वामी अपने घर में हो और छह आठ बारह का स्वामी छह आठ बारह में बैठा हो, खराब घर का स्वामी अपने ही भाव में बैठा और छह आठ बारह, ये अलग से निकलो, खराब घर का स्वामी अपने ही भाव में बैठा हो और छह आठ बारह का स्वामी छह आठ बारह में बैठा हो तो ये भी कुंडली के लिए अच्छा योग है। अभी बता दे रहा हूं। और खराब भाव का स्वामी अगर नीच का हो जाए तो ये भी अच्छा ही है, मतलब अच्छे भाव के स्वामी का उच्च का होना अच्छा है लेकिन प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए, और खराब घर के स्वामी का नीच का होना अच्छा है। समझ में आ गई? तीसरी लाइन लिखिए कुंडली देखते समय, तीसरी लाइन बहुत जरूरी है। तीसरी लाइन में लिखिए, जब भी कोई ग्रह चाहे अच्छा हो या खराब हो, जब भी कोई ग्रह चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो अपने ही घर को देखता है, अपने ही घर को देखता है तो वो अपने घर के लिए अच्छा करता है चाहे स्थिति उसकी चाहे जैसी हो। जैसे आपके पास सपोज पैसा नहीं है और आपका बच्चा, आपकी वाइफ, आपकी फैमिली का कोई सदस्य बीमार पड़ जाए तो भी आप उसकी हेल्प करने के लिए चाहे खुद को बेचोगे, चाहे कहीं कर्जा जाके लोगे, चाहे जो करोगे उनके लिए अच्छा जाके करोगे, चाहे आपकी प्लेसमेंट चाहे जैसी है आप उनके लिए अच्छा करोगे जाके। और अगर वही पड़ोसी में कोई बीमार हो जाए तो आप तुरंत कहोगे भैया हमारे पास जब खुद नहीं है तो हम आपके लिए कैसे करते हैं, लेकिन अगर अपने घर में बीतेगी तो चाहे जैसे करोगे चाहे जहां से। तो इसीलिए प्लेसमेंट कोई भी हो, मतलब कितना भी गधे से गला प्लेनेट हो कुंडली में, वो जब भी अपने घर को देख लेगा
तो कहीं के लिए अच्छा करे ना करे अपने घर के लिए अच्छा जरूर करेगा। कितना अच्छा करेगा? जितनी उसमें ताकत होगी। दिग्बली भी है पता चला, डिग्री बल भी बैठा है, अच्छे घर में भी बैठा है, मित्र घर में बैठा है, तो जितनी पावर लेके बैठा है उतने पावर में अच्छा करे। देखो अच्छा करने की भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए ना भाई। एक व्यक्ति, एक कोई अंबानी के रिश्तेदार हैं तो अंबानी जिसको देंगे तो अपनी हैसियत के हिसाब से देंगे, एक हमारे आपके रिश्तेदार हैं तो हम किसी को देंगे तो हम अपनी हैसियत से देंगे। तो प्लेनेट का डिग्री में बली होना, प्लेनेट का राशि में बली होना, उच्च का होना, प्लेनेट का दिशा में बली होना, प्लेनेट का डिग्री में बली होना, ये सारी चीजें उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। समझ रहे हैं मेरी बात? और प्लेसमेंट अच्छी है, घर भी अच्छा है, डिग्री नहीं है या नीच का होकर के बैठा है तो भी उसमें इतना बल नहीं है कि वो बहुत कुछ कर पाए, लेकिन फिर भी अपने घर को देखेगा तो अपनी हैसियत से ज्यादा करने की कोशिश करेगा। समझ में आ गई बात? ये रूल है, मतलब के जिस भी कुंडली में लगा दोगे हर जगह काम करेगा। चलो किसी की और की कुंडली लेते हैं, किसकी लें बताइए, इसमें सबसे पहले किसका आया था तो उसको देखते हैं, तो उससे अपनी भी कुंडली लगाने की आप कोशिश करना। सबसे पहले आया है इसमें, इसकी सबसे पहले आई होगी उपासना जी का आया है। उपासना जी बताइए डेट ऑफ बर्थ अपनी। सर 16 अक्टूबर 1981। स्त्री हैं आप? डेटा मत बताइए। जी सर, 16 16 10 1981। थोड़ा मजाक कर रहा था, सीरियस मत लेना। 5:15, ये तो प्रातः काल जन्म है आपका, हाँ भोर में एकदम, क्या बोलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त। जी सर, बर्थ प्लेस कहाँ है? कानपुर। नहीं सर, गोरखपुर। ये आपकी कुंडली, रुको, कन्या लगन की है कुंडली। जी सर, जी चलिए, कन्या लगन में कौन आंसर करेगा, कौन ग्रह योग कारक होता है, कौन मारक होता है, कौन सम होता है? उपासना जी बताएं, चलिए बताइए, देख के बताइए, नहीं जी आता हाँ या सर, एक्सप्लेन करिए। नहीं सर, कन्या ग्रह में सर बुध योग कारक और शुक्र योग कारक है और शनि। नकल नकल जानते हो आप लोग, नकल बता रहे हैं थोड़ी। कुछ मत करना, जो भी लगन की कुंडली है आपके पास, ठीक है, उसमें देख लेना त्रिकोण में कौन कौन से ग्रह की राशि पड़ी है। तो ज्यादातर मित्र ग्रह की राशि पड़ी होगी, तो बुध है तो बुध का ही डिपार्टमेंट यहाँ पड़ा होगा त्रिकोण में, ठीक है, मतलब या तो शनि पड़ा होगा या तो शुक्र पड़ा होगा, अगर मंगल है तो उसी का लगभग डिपार्टमेंट यहाँ पड़ा होगा, बाकी के जो बच्चे हुए प्लेनेट है उनकी राशियां और देख लीजिए। एंटी पार्टी वाले ज्यादातर, एंटी पार्टी वाले ज्यादातर मारक बनते हैं या सम बनते हैं, और अपनी ही पार्टी वाले ज्यादातर योग कारक बनते हैं। बस इतना ही दिमाग लगाना है, इतनी ही गणित लगाना, ठीक है, तो मैक्सिमम चीजें आप त्रिकोण देख के आइडेंटिफाई कर लोगे, बाकी के बच्चे हुए जो प्लेनेट है उनको इधर उधर ढूंढ के कर लो चक से, तो ये नकल हो गई, और नकल में अकल चाहिए थोड़ी, लगा लेना आप लोग, है आपके पास। चलते हैं, अभी बढ़ते हैं, इसमें कौन कौन सा योग कारक होता है? बुध योग कारक होता है, शुक्र योग कारक होता है, शनि योग कारक होता है, सबकी सेम डेफिनेशन है, मतलब जहां जाए, जहां बैठे, जहां देखे, उस घर की वृद्धि करे। अब लग्नेश देखो दूसरे भाव में गया है, तो किस चीज की में वृद्धि करेगा? धन में, कुटुंब में, वाणी में, धन कुटुंब वाणी, वाणी में वृद्धि करेगा बुध, दूसरे भाव के लिए अच्छा हो गया, यहां सेठ था उसको देखेगा, यहाँ के लिए भी अच्छा करेगा, ठीक है। अच्छा बताए, आपके मैके वालों से बनती है आपकी? लग्नेश है तो खैर ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, मुझे ऐसा लग रहा थोड़ा बहुत कम बनती होगी, थोड़ी बहुत। हाँ सर, हाँ सर, सर विचार नहीं मिलते हैं। चलिए अभी बाद में करते हैं, भाई योग कारक है तो अभी मान के चलो कि यहाँ के लिए भी अच्छा करेगा और यहाँ के लिए भी अच्छा करेगा, ठीक है। तो दूसरे बाप के लिए कितने पैसे वैसे सेव करवाएगा, पैसे से अटैचमेंट होगा, अपने ससुराल से अच्छा अटैचमेंट होगा,
ठीक है, कोई भी समस्या आएगी व्यक्ति खड़ा मिलेगा। तो फैमिली के लिए, वाणी के लिए, धन के लिए ये बुध की प्लेसमेंट अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि योग कारक ग्रह है, जहां जाए, जहां बैठे, जहां देखे, उस घर की वृद्धि करें। समझ में आ गई बात? ठीक है। शनि क्या है इसमें? योग कारक है, जहां जाए, जहां बैठे, जहां देखे, उस घर की वृद्धि करें। तो शनि कहां बैठ गया? जाके लगन में। तो किस किस चीज में वृद्धि करेगा? लगन में वृद्धि करेगा। यहां से इस भाव को देखेगा, तीसरे भाव को, क्योंकि तीसरी दृष्टि होती है शनि की, एक दो तीन, यहाँ के लिए अच्छा करेगा। यहाँ से सातवें भाव को देखेगा, यहाँ के लिए वृद्धि करेगा। सर एक चीज जानना चाहते हैं सर, प्लीज। दसवें भाव को देखेगा। हाँ, सर जैसे इसने दृष्टि डाली तीसरे भाव में, है ना, शनि ने जी, तो सर ये तो सर योग कारक नहीं हुआ। मतलब अगर एक चीज की वृद्धि करेगा अगर दृष्टि से, तो मेहनत सर ज्यादा करनी पड़ेगी। भैया अभी मैंने एक चीज आपको बताई है, जब कोई ग्रह अच्छी पोजीशन में है, इसका मतलब उसका दिमाग अच्छा है, और जब आपका अच्छा, दिमाग अच्छा होता तो आपको पता होता ये क्या फर्स्ट हाउस से दिमाग के रिकॉर्डिंग ये सब। नहीं, दिमाग नहीं, कहीं बैठा हो, अब बुध यहाँ बैठा तो भी अच्छे मूड में बैठा है, लेकिन अच्छे मूड का मतलब ये थोड़ी है कि सब चीजों में वृद्धि कर दोगे। सपोज आप अच्छे मूड में बैठे हो, आपका बच्चा आया आपके पास, है ना, आपसे बोले पापा जी मैं पिक्चर देखने जा रहा हूँ। चलो पिक्चर ठीक है, मोटिवेशन वाली है चीजें तो आप तो दे दोगे। अब वो कुछ और एक्सपेक्टेशन ऐसी करे, आपको लगे ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो भी वृद्धि करोगे क्या? चाहे जितनी अच्छी पोजिशन पे बैठे हो, ठीक, और अगर डेड टाइम वृद्धि करवा रहे हो, भी ऐसा होता है, दृष्टि में भी ऐसा होता है सर। वो योग कारक प्लेनेट जहां जाएगा, जहां बैठेगा, जहां दे, अगर उसकी प्लेसमेंट सही है, तो फिर अगर वो खराब घर को भी देख रहा है ना, तो खराबी को छोड़ के जो अच्छा चीज है उसी की वृद्धि करेगा। अब जैसे सर, तीसरा भाव, आप जैसे तीसरा भाव, मेरे लिए कंफ्यूजन था सर, सुन लीजिए, तीसरा भाव कॉन्फिडेंट का भी होता है, तीसरा भाव परिश्रम का भी है, पराक्रम का भी है, मेहनत का भी है ना, और तीसरा भाव कॉन्फिडेंट का भी है। जब भी ये शनि की दशा अभी चल रही है इनकी कुंडली में, शनि की दशा अभी चल रही है, ठीक है, तो ये जो भी काम अभी, क्योंकि शनि किस किस का हाउस का स्वामी है? पांचवें भाव का, लर्निंग का भी हाउस पांचवा होता है, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये जो कुछ भी पढ़ रही है ना, वो कॉन्फिडेंट में पढ़ रही है, अपने बलबूते पे पढ़ने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, शनि कॉन्फिडेंट का कारक है और शनि ईमानदारी का भी कारक है। तो शनि लगन में बैठ के तीसरे भाव को देखता है, तो व्यक्ति जितना करेगा ईमानदारी से करेगा, जो भी एफर्ट्स करेगा, जो भी मेहनत करेगा, ईमानदारी से करेगा। आई एम राइट? जी सर। उपासना जी ही बता पाएंगे बिल्कुल, जी सर। तीसरे को देखेगा, सातवें को देखेगा, दसवें को देखेगा, तो सब जगह वृद्धि कर देगा। समझ में आ गई? और स्वामी कहाँ का बना है? पांचवें का बना है, इसलिए शनि का पीरियड जब से चल रहा है, तब से कुछ ना कुछ एजुकेशन इनकी कंटिन्यू हो रही होगी, और बड़ा कॉन्फिडेंट पे पढ़ रही होंगी ये, कि भविष्य को समझते हुए, नजाकत को समझते हुए, कमाई को समझते हुए ही पढ़ रही, ठीक है। उसके बाद इसमें कुंडली में मारक कौन बनेगा? मंगल, सूर्य बनेगा मारक, सूर्य मारक बनेगा, मारक भाव। क्यों? क्योंकि बारहवें भाव में बैठा, बारहवें भाव का स्वामी है। अब खराब घर का स्वामी खराब घर में जाता, छह आठ बारह का स्वामी छह आठ बारह में जाता तो अच्छा हो जाता, लेकिन सूर्य यहाँ खराब घर का स्वामी होकर के अच्छे घर में चला गया, लगन में चला गया, तो सूर्य यहाँ के लिए खराब करेगा। क्या खराब करेगा? जब जब सूर्य का पीरियड आएगा, व्यक्ति की हेल्थ खराब कर सकता है, जब जब सूर्य का पीरियड आएगा, रिलेशनशिप खराब कर सकता है, क्योंकि सातवां भाव रिलेशनशिप का है। बिजनेस अगर ये कर रही होती, पार्टनर अगर इनके साथ होते, तो वहां भी प्रॉब्लम करता, बट अभी पार्टनर तो है नहीं, बिजनेस तो है नहीं, तो लाइफ पार्टनर को प्रॉब्लम आएगी। रिलेशनशिप होता है सेवंथ हाउस, तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। लगन है इसलिए इनका सरदर्द वगैरह भी होता रहेगा, ऐसा होता है जब सूर्य टाइम आएगा तो ज्यादा होगा, जी होता सर, है, सर वक्त दर्द करता रहता है सर, अधकपारी की प्रॉब्लम होगी। नहीं सर, जैसे ज्यादा स्टडी, चश्मा लगा हुआ है तो ज्यादा स्टडी कर लेते हैं, या बहुत ज्यादा सोचते हैं तब सर दर्द होता है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आंखें कैसी हैं? राइट आई कैसी है? सर वीक है। राइट आई लेफ्ट से ज्यादा वीक है? यस सर। इस तरह से अब देखो, मैक्सिमम जो और बड़े लेवल के प्रेडिक्शन है उसके लिए अभी बहुत कुछ बाकी है, उसके लिए एडवांस भी है, बट अभी मेनली आप इतने से बहुत कुछ बता सकते हो सामने वाले को। बेसिक आ गया, सार आ गया, समझ आ गई, है ना, इतने इतना आएगा। देखो पराशरी ज्योति जो है ना, वो देखो अभी नाड़ी भी बहुत लोग पढ़ रहे हैं, जितने इसमें ग्रुप में से बहुत लोग नाड़ी पढ़, नाड़ी की कोई प्रीवियस क्लास मिस हो जाएगी तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिस क्लास में आप पढ़ोगे उसमें न्यूली चैप्टर आपको मिलेगा पूरी तरह से।
पुरानी मिस हो जाएगी, जब पुरानी पढ़ लोगे तो पुरानी वाली भी आ जाएगी। पराश्री ज्योतिष क्या है, एक क्लास मिस हुई, दो क्लास मिस हुई तो बहुत कुछ मिस हो गया। इसलिए पराश्री ज्योतिष में कॉन्टिन्यूटी बहुत चाहिए। बहुत लोगों ने यहाँ केपी पढ़ा हुआ है, उनको पता है एक क्लास आपकी मिस हो गई। सपोज हम मैरिज पढ़ा रहे हैं, मैरिज आप नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं, आप करियर पढ़े तो भी करियर समझ में आ रहा है। पराश्री ज्योतिष में क्या है, शुरू के जो दो तीन महीने होते हैं, दीपा जी हैं यहाँ पे, पता है दीपा जी को, जो शुरू के दो तीन महीने होते हैं वो पढ़ने के बाद आगे के महीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जब आपका बेस क्लियर हो जाता है ना तो सारी बात केवल बेस पे ही होगी। तो चाहे जो कुंडली पढ़ाई जाए, त्रिमशांशा पढ़ाई जाए, दशमांशा पढ़ाई जाए, नवमांशा पढ़ाई जाए, कोई भी सप्तांशा पढ़ाई जाए, चतुर्थांशा पढ़ाई जाए, विंशांशा पढ़ाई जाए, चतुर्विंशांशा पढ़ाई जाए, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होती है। जिसका बेस क्लियर हो गया उसका सब कुछ क्लियर हो गया। तो जो स्टार्टिंग की क्लास है पराश्री की, फ्री मैंने इसीलिए सबके लिए कर दी थी, क्योंकि इसमें सबको कंफ्यूजन रहता है। लोग एडवांस तो कर लेते हैं, बेसिक नहीं आता है, सब पागल हुए घूमते हैं। तो एक चीज समझ लो, जो भी कुंडली है आपकी, योग कारक ग्रह का मतलब अच्छे घर का स्वामी अच्छे घर में होना जरूरी है, नहीं है इसका मतलब प्रॉब्लम है। कब प्रॉब्लम आएगी, जब दशा अंतर दशा आएगी उस प्लेनेट की। अब जैसे सूर्य इस कुंडली में लगन में बैठा है, तो सूर्य अब यही चिल्लाने मत लगना, सूर्य आपके लिए खराब तो है, 100% खराब है, लेकिन खराब ग्रह की जब दशा अंतर दशा आएगी, जैसे ये दशा अंतर दशा लीजिए, जब खराब ग्रह का टाइम आएगा तभी वो खराब करेगा, अदरवाइज सारा खराब नहीं करेगा। अब इसको यूटिलाइज भी किया जाता है, वो फिर एडवांस का पार्ट हो जाएगा, अभी के लिए केवल समझो। तो मारक कौन बनता है, सूर्य बनता है। सूर्य लगन में आ गया, इसका मतलब खराब घर का स्वामी अच्छे घर में आ गया। इसका मतलब क्या बताया, खराब घर का स्वामी अच्छे घर में आता है तो खराब करता है, कहां कहां खराब करेगा, जहां जाएगा, जहां बैठेगा, जहां देखेगा, उन सारी चीजों के लिए खराब करेगा। समझ गए, नहीं समझ गए, मन में आ गया। अब इसमें और कौन मारक बनता है, मंगल मारक बनता है, मंगल मारक बनता है। लेकिन आप देखो 6, 8, 12 का स्वामी, मंगल क्या है, छठे भाव का स्वामी, 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में ही बैठा है, मतलब खराब भाव का स्वामी खराब भाव में बैठा है। कहने का मतलब क्या, इस लगन की कुंडली में जो खराब ग्रह है वो खराब भाव में जाके बैठ गया, इसलिए मंगल भी इस कुंडली में अच्छे बेनिफिट देगा। तो यहाँ पे पड़ा हुआ मंगल इस लगन कुंडली के लिए अच्छे बेनिफिट ही देगा। क्यों देगा, क्योंकि ये विपरीत राजयोग में चला गया है एक तरह से, पहली लैंग्वेज। और अभी साधारण लैंग्वेज की बात करें तो खराब घर का स्वामी खराब घर में जाके बैठ गया, खराब घर का स्वामी खराब घर में जाके बैठ। म्यूट करके रखिए सभी लोग, कोई भी म्यूट खोलेगा नहीं जब तक हम नहीं कहें। तो मंगल जो था इसमें खराब घर का स्वामी था और खराब घर में ही जाके बैठ गया। खराब भाव पता है कौन कौन से होते हैं, तीसरा, छठा, आठवां और बारहवां। तो 3, 6, 8 के स्वामी मेनली सुन लो, 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में हो तो वो अच्छा हो जाएगा। तीसरे भाव का स्वामी तीसरे ही भाव में बैठा हो तो अच्छा हो जाएगा। और जो मार्केश बने हैं प्लेनेट, मार्केश जो जो प्लेनेट बने हैं इस कुंडली में, अगर वो इन अपने ही हाउसेस में बैठ जाएंगे तो वो कुंडली में अच्छे हो गए। कोई भी ग्रह चाहे अच्छा हो खराब हो, अपने घर को देखता है तो उसके लिए अच्छा ही करता है, इतना समझो। तो मंगल इस कुंडली में बैठा है, 6, 8, 12 का स्वामी होकर 6, 8, 12 में बैठ गया, इसका मतलब क्या, मंगल जहां बैठा है उसके लिए अच्छा करेगा, जहां देखेगा उसके लिए भी अच्छा करेगा, और जहां गया है उसके लिए भी अच्छा करेगा। इतनी मेरी बात सबको समझ में आ गई। तो यहां से क्या क्या अच्छा करेगा, मंगल 12वें भाव के लिए अच्छा करेगा, तीसरे भाव के लिए अच्छा करेगा, तीसरा भाव जिन चीजों का होता है, सपोर्टिव होंगी छोटे भाई बहनों को लेके। कब अच्छा करेगा, जब उसका टाइम पीरियड आएगा, जब उसका टाइम पीरियड आएगा। यहां के लिए भी अच्छा करेगा, नौकरी के लिए भी अच्छा करेगा, और 7वें भाव के लिए भी अच्छा करेगा। चलिए, और अभी दूसरे लेवल पे किसकी कुंडली थी वो बताएं, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करोगे नेक्स्ट क्लास में, फिर हम और क्लियर करते हैं। और किसका पढ़ा है इसमें, उपासना जी के बाद नेहा शर्मा का पढ़ा। चलिए नेहा, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी, हैं आप क्लास में कि नहीं,
नेहा जी आप क्लास में माइक ऑन करके बोलिए अगर है तो, नहीं तो फिर आपका नहीं लगेगा। चलिए नेहा जी का हट गया। अमित जी आप बताइए, अमित मौर्य जी हैं सर? 18 अगस्त 1986। 18 अगस्त, 18 अगस्त 1986। इस पे कौन प्रेडिक्शन देना चाहेगा आप में से, बताइए इनकी कुंडली पे टाइम बताइए। सर 10:25 सुबह शाम को? जी सुबह सर 10:25। आपको कुछ बताना नहीं क्या? अच्छा बस प्लेनेट छांटने हैं। चलिए मैं ही बता दूंगा। उत्तर प्रदेश कानपुर में ही है? जी सर। वृषभ लग सॉरी ये आपकी कुंडली है? जी सर। अब इसमें योग कारक कौन कौन से होते हैं प्लेनेट? शुक्र बनेगा, शनि बनेगा, बुध बनेगा। इतना क्लियर है? देखो शनि बनेगा, शनि भी अच्छे घर में बैठा है ना, बुध भी अच्छे घर में बैठा है, और शुक्र जो है वो खराब घर में चला गया। इतना समझ में आ गया? तो इसमें आपके योग कारक की दृष्टि से दो ग्रह अच्छे हो गए। कौन से? शुक्र अच्छा हो गया, सॉरी बुध अच्छा है और शनि अच्छा है। ठीक है, क्या क्या करेगा वो दृष्टि बता देगी क्या क्या करेगा। उसके बाद सम ग्रह कौन बनता है इसमें? सम बनता है चंद्रमा। चंद्रमा कहाँ गया है? चंद्रमा भी ठीक ठाक घर में बैठा है जाके, ठीक है, अच्छे घर का स्वामी है चंद्रमा और जाके अच्छे घर में बैठ गया। उसके बाद मारक कौन कौन बनता है इस कुंडली में? बृहस्पति बनता है मारक, मंगल बनता है मारक, और कौन बनता है? सूर्य बनता है मारक। ठीक है, तो बृहस्पति जाके बैठ गया, खराब घर का स्वामी बैठ गया पांचवे में जाके, तो बृहस्पति खराब हो गया। ठीक है, खराब करेगा। उसके बाद मंगल तीसरे भाव में बैठा है तो मंगल भी खराब करेगा, अपने घर में नहीं है वो। उसके बाद सूर्य जो है वो अपने ही घर में बैठा है तो सूर्य अच्छा हो गया। जो घर ग्रह अपने घर में बैठा होता है वो अच्छा हो जाता है। अच्छा, ठीक है, वो अच्छा हो जाता है, अपने घर को देखता है तो अच्छा करता, अपने घर में बैठा होता है तो अच्छा ही होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो कहने का मतलब कि आपकी कुंडली जो आई उसमें शुक्र खराब है, आपकी कुंडली में शनि अच्छा है और बुध अच्छा है। थोड़ी देर के लिए खराब घरों को पकड़ो, खराब ग्रहों को पकड़ो, तो गुरु खराब हो गया। ठीक है, क्योंकि अच्छे खराब घर का स्वामी है, 6-8-12 का स्वामी 6-8-12 में ही हो या अपने घर में या नीच का हो, तो गुरु यहाँ पे आ गया, पांचवें भाव में बैठ गया। उसके बाद मंगल अपने घर में कहीं नहीं बैठा है, खराब भाव का तो स्वामी है, मार्केश का स्वामी है, तीसरे में बैठा। अगर इन्हीं में बैठा होता मंगल तो अच्छा होता। ठीक है, और इसके बाद कौन खराब होता है इस कुंडली में? सूर्य खराब होता है, तो सूर्य जाके अपने ही घर में बैठ गया। चंद्रमा सम होता है तो चंद्रमा जाके ठीक ठाक घर का स्वामी है, सम ग्रह है, सम जगह जाके बैठा। अब प्रेडिक्शन आप लोग खुद कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते? यस सर।